हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के सिस्टम नेविगेशन को चेंज कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में आपको लिखना है सिस्टम नेविगेशन। तो आपको नीचे सिस्टम नेविगेशन का ये ऑप्शन दिखाई देगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं सिस्टम नेविगेशन की कैटेगरी में, ये जेस्चर का और ये बटन का। तो हमारा जो है ये बटन के ऊपर पहले से सिलेक्टेड रहता है, तो आपको करना क्या है, इसे जेस्चर के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इससे आपके मोबाइल फोन का सिस्टम नेविगेशन चेंज हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के नीचे से ये तीन बटन जो होते हैं ना यहाँ पे, ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन के सिस्टम नेविगेशन को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, आपको अपने मोबाइल फोन को यूज कैसे करना है। देखिए, मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड और मोबाइल फोन के राइट साइड से आप दोनों ही साइडों से अपने मोबाइल फोन को बैक कर सकते हैं। कैसे, देखिए मोबाइल फोन के लेफ्ट साइड से आप कहीं से भी ऊपर नीचे कहीं से भी किनारे से आपको उंगली को खींचना है ऐसे और छोड़ देना है, तो आपका फोन देखिए बैक पेज पे आ जाता है। इसी तरीके से आप राइट साइड से भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, आपको एक चीज और बताता हूँ कि आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन के सबसे नीचे से बीचों बीच से आपको ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपका फोन ओवरव्यू भी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के सिस्टम नेविगेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है।